हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इनऑर्गेनिक का फोर्थ यूनिट, जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर आपने आगे जाके बीएससी के बाद एमएससी एंट्रेंस देनी है किसी अच्छे कॉलेजेस के लिए, या आप एमएससी केमिस्ट्री ले लेते हो और उसके अंदर जब आप कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हो तो उसके अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो आगे जाके हायर एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमें काफी मिलता है। तो उस लेवल से काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो पेपर में भी इसमें से बहुत सारा पोर्शन पूछा जाता है, थर्ड चैप्टर में से थोड़ा सा कम पूछा जाएगा, इसमें से ज्यादा पूछा जाएगा। तो कुल मिला के ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसे मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा था, पहले चैप्टर के अंदर हमने मेटल कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, दूसरे चैप्टर के अंदर हमने उनकी थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज के बारे में पढ़ा, थर्ड चैप्टर में फिर हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे शिफ्ट कर गए थे, हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसके अंदर हमें हमारे कॉम्प्लेक्सेस का स्पेक्ट्रा जो है, स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करनी होती है। और स्पेक्ट्रा को हम जनरली ग्राफ बोल देते होते हैं, हमारे कंपाउंड्स के ग्राफ। और ये स्पेक्ट्रा के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रा जब हम किसी भी कंपाउंड का पढ़ते हैं तो उस कंपाउंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी इजिली हम अवेलेबल कर सकते हैं, बड़ी इजिली हमें मिल जाती है, जिससे उस कंपाउंड को पढ़ने में समझने में दिक्कतें नहीं आती। तो ऐसी सब चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस। इसमें मैं आपको बेसिकली यही बताऊंगा कि हमें किस किस टाइप के स्पेक्ट्रा पढ़नी होती है, और उन स्पेक्ट्रास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कैसी कैसी एनर्जी लेवल्स के अंदर जो हमारे एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लोअर लेवल से हायर लेवल पे शिफ्टिंग करवानी, मतलब ट्रांजिशन से रिलेटेड जितनी भी हमारी बेसिक बातें हैं वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो सपोज करो मेरे पास कोई भी मेरा एक केमिकल सब्सटेंस है, इस केमिकल सब्सटेंस में से मैंने रेडिएशंस जो है वो पास करवाई। अब जब हम हमारे केमिकल सब्सटेंस में से रेडिएशंस पास करवाएंगे तो हमारी रेडिएशंस की जो थोड़ी सी एनर्जी होती है वो हमारा कंपाउंड जो होता है वो एब्सॉर्ब कर लेगा। थोड़ी सी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करने पे बाकी जो हमारे रेडिएशंस होगा वो यहाँ पे एमिट कर देगा। तो जो मेरा केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस के लेफ्ट में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंसिडेंट रेडिएशंस। जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशंस थी उनका थोड़ा सा पार्ट हमारे केमिकल सब्सटेंस ने एब्सॉर्ब किया, और उसके बाद जो हमारी रेडिएशंस थी उनको एमिट कर दिया, वो हमारे पास आ जाएंगी एमिटेड रेडिएशंस। अब ये जो हमारी एमिटेड रेडिएशंस होती हैं, अगर मैं इन एमिटेड रेडिएशंस को प्रिज्म में से पास करवाता हूं तो प्रिज्म में से पास करवाने पे ये लाइट जो होती है हमारी ये स्प्लिट हो जाएंगी। अब यहां पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमारी एमिटेड रेडिएशन को हम प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो कुछ पोर्शन जो होता है वो हमें खाली मिलता है, वहां पे हमें कोई स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन बाकी पोर्शन के अंदर हमें स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व होती है। मैं ऐसे शो कर रहा हूं जिगजैग लाइन से, इस पोर्शन के अंदर हमें कोई लाइट शो नहीं हुई, बाकी पोर्शन के अंदर हमें लाइट जो है वो शो हुई। तो इसका मतलब ये हुआ जिस पोर्शन के अंदर हमें कोई लाइट शो नहीं हो रही वो पार्ट हमारा जो है वो हमारे केमिकल सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया था। तो एब्जॉर्ब पार्ट को इसने नहीं दिखाया, बाकी लाइट्स की जो स्प्लिटिंग है वो शो कर दी। तो जब इस पैटर्न को हम किसी स्क्रीन पे रिकॉर्ड करते हैं वो पैटर्न जो हमारे पास आता है उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द केमिकल कंपाउंड। तो मैंने एक्चुअल में इस केमिकल सब्सटेंस का, इस केमिकल कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्टेन कर लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन थी उनका उसका कुछ पार्ट हमारे केमिकल सब्सटेंस ने अब्सॉर्ब किया, जो पार्ट हमारे केमिकल सब्सटेंस ने अब्सॉर्ब कर लिया वो हमारी स्प्लिटेड रेज के अंदर, रेडिएशंस के अंदर शो ही नहीं हुआ। फिर उसके बिना ही हमारा पैटर्न बना, जो भी हमारा पैटर्न यहाँ पे बनेगा उस पैटर्न को स्टडी करके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे केमिकल सब्सटेंस के बारे में पता लगा सकते हैं, और इस पैटर्न को फिर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब इसमें हुआ क्या, देखो जो हमारा केमिकल सब्सटेंस था जिसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, जो भी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है उस एनर्जी से क्या होता है, देखो हमारे कंपाउंड के अंदर वेरियस एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो
जो ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें जो भी हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो भी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, वो स्पीशीज इस एब्सॉर्ब्ड एनर्जी को यूज करके ट्रांजिशन करती हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी ग्राउंड स्टेट शो कर दी है विद डिफरेंट एनर्जीज, और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट शो कर दी है विद डिफरेंट एनर्जीज। तो जो भी हमने यहाँ पे हमारी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब की होगी, उस रेडिएशन का एनर्जी डिफरेंस जिस भी लेवल से मैच करेगा उसी लेवल में ट्रांजिशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन शो किया है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये कोई फिक्स नहीं है, कोई भी ट्रांजिशन हमारी जो है वो पॉसिबल है किसी भी लेवल से, डिपेंड करता है कि हमने कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब की है। अब यहाँ पे हमारे पास एब्सॉर्ब्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग बहुत सारी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, लेकिन इन बहुत सारी ट्रांजिशंस में से ये वाली जो हमारी ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मतलब दिस ट्रांजिशन इज हाईली प्रोबेबल। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने जितने भी एक्साइटेड स्टेट्स बनाए और जितने भी मैंने ग्राउंड स्टेट्स बनाए, इन सभी में से जो हमारा ये वाला एक्साइटेड लेवल है और ये वाला ग्राउंड लेवल है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो मिनिमम है, यानी कि कम से कम है। तो इन दोनों के अंदर एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होने की वजह से इन दो लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इन लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन करने के लिए हमें एनर्जी सबसे कम चाहिए। अब यहाँ पे हमारे इस केस में जो हमारा सबसे लोएस्ट एक्साइटेड लेवल होता है, इसे हम बोलते हैं ल्यूमो। ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली जो हमारे पास ये वाला हमारा लेवल है हाईएस्ट एनर्जी का ग्राउंड स्टेट लेवल, इसे हम बोलते हैं होमो। ये हमारे पास होता है हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन वर्ड्स को यूज करते हुए मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। जब हमारे केमिकल सब्सटेंस ने इंसिडेंट रेडिएशन से थोड़ी सी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, तो जो भी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है वो एनर्जी हमारी ट्रांजिशंस करवा सकती है, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस हमारी होती हैं होमो से ल्यूमो वाली। तो ये हमारे पास हमारा नेचर आता है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस का। अब इसी के अंदर मैं आपको फर्दर बताता हूँ, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में बता दिया, यानी कि होमो के बारे में बताया, ल्यूमो के बारे में बताया। अब इस सारी थ्योरी को मैं कॉम्प्लेक्सेस के लिए ले आता हूँ। जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास इनके जो लेवल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्राउंड स्टेट के जो लेवल्स होते हैं उन्हें हम जनरली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स के जो लेवल होते हैं उन्हें हम जनरली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बोल देते हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, देखो जो हमारे पास हमारे ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोलते हैं और पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोलते हैं। वैसे सिग्मा वाले हमारे लो एनर्जी के होते हैं तो वो नीचे शो कर देता हूं, पाई बॉन्डिंग जो होते हैं वो सिग्मा से ज्यादा एनर्जी के होते हैं तो उन्हें ऊपर शो कर देता हूं। अब जैसे हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वैसे हमारे पास सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है जिसे हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे हमारे पास पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है। तो जो हमारे पास हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स में या मॉलिक्यूल्स में, उन्हीं के रिलेटेड हमारे पास हमारे एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्बिटल होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज NBMO, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर हमें कुछ इस तरह के एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो मिल जाती है। एरो से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, मतलब इन ऑर्बिटल्स की लोअर एनर्जी है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग जो होता है वो हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी का होता है। अब हमारे पास इतने सारे लेवल्स हैं, इतने सारे लेवल्स में से हमारे पास जो ट्रांजिशंस हैं वो कौन कौन सी पॉसिबल हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार पॉसिबल है, सिग्मा टू पाई स्टार पॉसिबल है,
सिमिलरली पाई टू पाई स्टार पॉसिबल है, पाई टू सिग्मा स्टार पॉसिबल है, और फिर हमारे पास एन टू पाई स्टार पॉसिबल है। तो ये हमारे पास हमारी पॉसिबल ट्रांजिशन आ गई। अब अगर आप इन सभी पॉसिबल ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस देखोगे तो हमारे पास जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है इसके लिए एनर्जी डिफरेंस जो है वो सबसे कम आ रहा है, और जिन ट्रांजिशन के लिए हमारे पास एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होता है वो ट्रांजिशन हमारी सबसे ज्यादा प्रोबेबल होती है। तो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए जो हमें मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन देखने को मिली वो कौन सी मिलती है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिल सकती है। तो ये हमारे पास हमारा बेसिक टॉपिक था, इंट्रोडक्शन का टॉपिक, बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।